अस्सलाम फ्रेंड्स, होप सो यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज से हम लोग तीन चार के बेटा हम लोग एट पढ़ेंगे। ये एट हमारे पास क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा थर्मल बोलते हैं हीट को, ठीक है बेटा। हम लोग मैटर जब करेंगे ना, हीट जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी बेटा, उसको डिस्कस करना बेटा। जब नाम हमारे पास है तो बेटा आज हम लोग हीट की कुछ प्रॉपर्टी बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं सच बेटा जो हमारे पास है, मेरा फर्स्ट टॉपिक वो है कि टेम्परेचर एंड हीट क्या होता है बेटा। ये मैंने आपको लिखवाया भी था डिफरेंस के, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। बेटा आपके अभी प्री बोर्ड में भी आया था, हमारे क्वेश्चन आया था कि डिफरेंस बताएं आप लोग हीट और टेम्परेचर के दरमियान। बेटा कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बेटा बताए थे कि टेम्परेचर क्या होता है बेटा। हमने कहा था डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, एक बॉडी में कितनी हॉट है, एक बॉडी में कितनी कोल्ड है, उसकी डिग्री, दैट इज नोन एज हीट, दैट इज नोन एज टेम्परेचर। बेटा हीट क्या होता है हमारे पास, बेटा हीट हमारे पास एक फॉर्म है एनर्जी की। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो बेटा कहां से मूव करती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तरफ, उस टाइम तक बेटा जब तक बोथ बॉडीज डज नॉट हैव द सेम टेम्परेचर। बेटा फिर हमारे पास था कि हमारे पास जो हमने कहा था कि टेम्परेचर बेटा जो ना वो हमारे पास एक जो है वो बेस क्वांटिटी है, ठीक है। टेम्परेचर बेस क्वांटिटी एंड हीट इज अ ड्राइव क्वांटिटी। आपने एक पॉइंट लिखा था वहां पे बेटा, ये आपसे याद करें टेम्परेचर का और हीट के दो चार पॉइंट आपको आने चाहिए बेटा आप लोगों को। बेटा फिर इसमें बेटा हमारे पास आता है कि थर्मल जो है ना कॉन्टैक्ट क्या होता है हमारे पास, और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है बेटा। बेटा पहले मैं डिफाइन करूँ कि हमारे पास थर्मल कंटैक्ट क्या होता है। दो बॉडीज कंटैक्ट में आए और बेटा उनके दरमियान हीट ट्रांसफर टेक प्लेस हो। व्हेन टू बॉडीज आर इन कंटैक्ट सच दैट देयर इज अ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन देम, देन सच अ कंटैक्ट इज नोन एज अ थर्मल कंटैक्ट। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है, दो बॉडीज कंटैक्ट में आए सच दैट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस। मैं दो बॉडीज हम कंटैक्ट में तो है बेटा, उनके दरमियान हीट ट्रांसफर टेक प्लेस नहीं हो रही, दैट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होगी हम कहेंगे वो थर्मल कंटैक्ट है, क्योंकि हीट ट्रांसफर टेक प्लेस नहीं होगी तो वो होगी हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम की। बेटा ये हमारे पास दो डेफिनेशन है बेटा, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी। हम पढ़ते हैं हम लोग सम ऑफ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एसोसिएटेड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। बेटा एक बॉडी के अंदर तमाम जितने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बेटा, इन तमाम का सम बेटा इसको बोलते हैं हम लोग, उसकी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं बेटा हम लोग। बेटा इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स, बेटा वो डिपेंड करती है बहुत से फैक्टर्स के ऊपर सच दैट बेटा काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करती है, पोटेंशियल भी डिपेंड करती है, मैस बेटा करती है डिपेंड हमारे पास, कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर क्या करती है इंटरनल एनर्जी बेटा डिपेंड करती है हमारे पास। मैं दोबारा से बता दूं कि हमारे पास क्या होती है इंटरनल एनर्जी में, क्या होती है सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, तमाम एनर्जी का सम तो बड़े अंदर है बेटा हमारे पास, उसके काइनेटिक एनर्जी, उसका मास, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इन तमाम का सम बड़े इसको बड़े उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और फैक्टर्स क्या बेटा हमारे पास है, तीन फैक्टर बड़े ध्यान लिखे हुए, एक मास लिखा हुआ है, एक काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है और एक पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है। तीन फैक्टर बेटा आप याद कर लीजिएगा। बट नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हीट चाहिए होगी दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा ये होती है हमारे पास डेल क्यू और एम सी डेल टी। बेटा इसका होता है हमारे पास ना बेटा हीट का होता है हमारे पास जूल, बेटा मास का होता है हमारे पास के जी, बेटा टाइम होता है हमारे पास कैलोरी होता है कैलोरी हमारे पास जूल पर के जी पर कैलोरी, दैट इज द एस आई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा ये हमने ऑब्जर्व किया कि बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा हमारे पास है ना बेटा वो डिग्री किसकी होती है हमारे पास, बेटा किसी बॉडी में आप हीट ऐड कर रहे हैं। It has been observed that the quantity of heat required to rise temperature of 1 kg of
ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 केजी इज जो ना बेटा वो डिपेंड करती है बेटा उस बॉडी के मास पे और उसके पहले टेम्परेचर पे, क्योंकि बड़ा ज्यादा मास है वो जाहिर सी बात है इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ हीट टू हॉट इट एंड बेटा टेम्परेचर उसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे है तो बेटा उसका हमें कम चाहिए बेटा हमको हीटर्स को ऑटोमेटिक करने के लिए हमारे पास। फिर इसके दो फैक्टर बेटा हमारे पास है जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है, एक बेटा हीट है और एक बेटा हमारे पास क्या है टेम्परेचर बेटा हमारे पास है उसके दौरान हमारे पास, ठीक है बेटा ये दो फैक्टर्स है जो बेटा स्पेसिफिक कैपेसिटी डिपेंड करती है। अब बेटा फिर हम हमारा टॉपिक करते हैं लार्ज इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। बेटा वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होती है बहुत लार्ज होती है, मतलब उसकी कितनी होती है हमारे होती है 4200 बेटा ऑलमोस्ट 4200 जूल पर केजी पर केल्विन इज एसआई देना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। बेटा इतनी ज्यादा इसकी हीट कैपेसिटी है इसका मतलब ये है कि बेटा ना ये जल्दी जो है ना गर्म होगा और ना जल्दी हमारे पास क्या होगा ये ठंडा होगा, ये बेटा पानी ना जल्दी होगा गर्म ना जल्दी क्या होगा ठंडा। बेटा इसका पहला यूज ये है इट इज वेरी यूजफुल इन स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी, बेटा इससे हम हीट एनर्जी को हम बेटा कैरी भी कर सकते हैं और बेटा स्टोर कर सकते हैं बिकॉज वाटर इज अ गुड जो है ना क्या कहते हैं उसको स्पेसिफिक बहुत लार्ज है। बट नेक्स्ट मैंने हमने पढ़ा था कि इन एन ऑटोमोबाइल लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस बाय इट्स इंजन ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, बेटा उसका टेम्परेचर बहुत हीट प्रोड्यूस करेगा एज ए रीजन बेटा उसका टेम्परेचर क्या बढ़ जाएगा। बेटा हम लोग पानी करते हैं सर्कुलेट ताकि उसका बेटा क्या हो जाए वो कूल हो जाए, वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द इंजन विच कूल्स देम। बट नेक्स्ट बेटा हमारे पास था इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम हॉट वाटर आर यूज टू कैरी अनवांटेड थर्मल एनर्जी, ठीक है बेटा बेटा ये हमारे पास कुछ जो है हमारे पास बेटा जो है ना इसके यूजेस है बेटा ये आप उसको याद कर लीजिएगा। बेटा अभी बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो है बेटा हीट कैपेसिटी भी है ये बेटा वो आता है इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो है तो अभी बेटा हमारे पास क्या है थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है व्हाट इज मीन बाय द टर्म थर्मल एक्सपेंशन। बेटा तमाम सॉलिड्स हों लिक्विड्स हों गैसेज हों बेटा वो एक्सपेंड होते हैं ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट होते हैं ऑन कूलिंग। बेटा ऑल जो है ना सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड और गैसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग, देयर एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन आर वेरी स्मॉल बट बेटा दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बेटा जो ना हमारे पास बहुत कम अहम रोल बेटा हमारे पास किरदार अदा करते हैं। तो बेटा अब हमारे पास जो है ना टॉपिक बेटा पहले जो हमारे पास आएगा वो आता है हमारे पास व्हाट इज मीन बाय बेटा तो अभी हमारे पास बेटा अभी आता है कि हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है एक्सप्लेन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बेटा ये लॉन्ग आता है टॉपिक हमारे पास इस समय मेरे आपको लॉन्ग में आया था वॉल्यूम वाला, ठीक है बेटा एक होता है हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बेटा एक वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बेटा दोनों में से एक टॉपिक बड़े लॉन्ग में आता है हमारे पास। बेटा लीनियर क्या होती है बेटा अगर हम लोग जो है ना बॉडी को हीट करें इफ वी हीट इट अ बॉडी and there is change in length take place bada uske length mein kuch changing aaye that is known as linear thermal expansion when we heat a substance and there increase in length take place that is called linear thermal expansion bada jo linear thermal expansion it is considered metal of rod l naught bada yahan pe ek rod le liye jise metal le liye rod le liye which length hamare ka l naught hai at temperature t naught ke upar keh rahe let its length on heating बेटा वो क्या होगा उसकी टी होगी अपने टेम्परेचर एफर्ट जो है ना टेम्परेचर टी के बाद नाउ इंक्रीज लेंथ हुई बेटा क्या होगी डेल एल एल माइनस एल नॉट इंक्रीज टेम्परेचर क्या होगा टी माइनस टी नॉट। बेटा इट इज फाउंड दैट जो है ना कितनी हमारे लेंथ से इंक्रीज होगी वो डायरेक्टली किसके है इसकी ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के डेल एल बेटा अब किसका जाएगा अल्फा एल नॉट डेल टी के एल माइनस क्या हो जाएगा अल्फा एल नॉट डेल टी के तो ये वहां जाके प्लस हो गया यहाँ पर अल्फा कॉमन आ गया तो वन प्लस अल्फा डेल टी हो गया। बेटा अल्फा को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बेटा उस पर यूनिट होते हैं हमारे पास केल्विन पर केल्विन ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बेटा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बेटा उसकी क्या होती है उसकी केल्विन बेटा हमारे पास होती है। अब हमारे पास है कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है अगर हम किसी चीज को हीट करें और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो ठीक है इफ अ सब्सटेंस हीटेड एंड देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम टेक प्लेस दैट इज नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो इससे हमने ऑब्जर्व किया कि जो ना वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वो डायरेक्टली किसकी होगी ओरिजिनल वॉल्यूम की और टेम्परेचर के बट यहाँ से हमने इसका ड्राइव कर लिया वॉल्यूम का तो यहाँ में आता है बीटा हमारे पास बीटा होता है 3 अल्फा बट जो ना इससे होता है हमारे पास पर केल्विन। बट ये बहुत आसान है दोनों टॉपिक्स बट इसको रिवाइज कीजिएगा। बट फिर अगर हम आते हैं इसके बेटा हम आते हैं अब इसके जो है ना
न्यूमेरिकल स्केल। बेटा सर मैं क्या, बेटा हमारे पास जो शामिल है कोर्स में, बेटा एक है 4.3, 8.3, 8.4, 8.5, बेटा ये तमाम न्यूमेरिकल है, 8.4 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 6 भी है, बेटा तमाम न्यूमेरिकल बेटा हमारे कोर्स में क्या है शामिल है, बेटा जो मैंने टिक लगाया इसके ऊपर, बेटा तमाम न्यूमेरिकल बेटा हमारे कोर्स में शामिल है। अब बेटा मैं आपको फर्स्ट मैगल बेटा ये मैं करवा रहा हूँ, आप एक में खोल दीजिएगा, नहीं आपके पास 8.3 बेटा हमारे मेडिकल है, इसमें कहना रीड अगर आपके पास क्या गिवन कर दिया हुआ है, कहना है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ, वी हैव टू फाइंड इंक्रीज इन लेंथ, बेटा हमने एल माइनस एल आर मालूम करना है, ठीक है, ऑफ बार 2 मीटर लॉन्ग, जो गिवन है इसकी ओरिजिनल लेंथ एल ओ क्या दी हुई 2 मीटर लॉन्ग, व्हेन ही रीड फ्रॉम 0 टू 20 बेटा इनिशियल मेजर 0 फाइनल मेजर 20 बेटा इसको हमने चेंज किया केल्विन में प्लस का तो समझ लीजिए बेटा इसमें कर्म जाने हो गया मैं बस अल्फा मिल गया देवी 2.5/6 बेटा एल माइनस का होता है अल्फा एल नॉट टी टू माइनस टी वन बेटा अल्फा मैंने पुट किया एल नॉट मैंने पुट किया टी टू माइनस टी वन बेटा हमने किया तो ये हमारे पास क्या आ गया हमारे पास इसकी इंक्रीज इन लेंथ आ गया बेटा बहुत ही आसान मेडिकल था बेटा इसको आप देख लीजिएगा आप देखिए बेटा नेक्स्ट मेडिकल आप देखें अगर आप कह रहे हैं बैलून कंटेन 1.2 मीटर क्यूब ऑफ एयर ये बेटा वॉल्यूम इसका 1.2 दिया हुआ है एट क्यू क्या होता है एम सी डेल्टी बेटा एम की वैल्यू पता है हमें 0.5 है बेटा सी होती है वाटर की 4500 और डेल्टी बेटा 45 हमें आ गया फिर हमें किया मंडल आंसर आ गया बेटा बहुत आसान मैगल हमारे पास है ये वाला भी तो बेटा ये हमारे पास दो तीन मैगल बेटा शामिल है कोर्स मेरा करवा दिया आप लोगों को बेटा इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है अपना हैंड रेज करें आप लोग इफ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ बेटा